चलन लाग रहे हैं। 28 तारीख में पैदल मार्च के रूप में आपा शुरू होया गांव गांव से तारानगर गोचत को सरदार सर रवाना हो। सरदार सर का लोग भी राजगढ़ का सिद्धमुख का आपा पैदल चालने को आवानी वास्ते करो लोगों में चेतना आवे लोगों के मां चर्चा आवे लोगों ने बात को पता चले के सैटेलाइट की है क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की है और सरकार ना चेतावनी पुगे के जिका पैदल चाल गया वो मत्तो की है अपा मोटली संख्या में 2 जून ने चोरू की कलेक्ट्री पर पहुंचा। चोरू के लोग बताई आज तक के इतिहास में किसान आपके मुद्दे के ऊपर आपकी मांग मनवाने के लिए इतना लोभ कभी होड़ा को नहीं राजनीतिक पार्टियां की रैली में तो उसके लेकिन आपके संगठन के आह्वान पर किसान आपकी मांग के ऊपर राजगी कलेक्ट्री ने कदी या घेरेड़ी कौन सी की आपा 2 जून ने घेरी इज्जत को लेके आज तक बैठापा बैठा। सावनी 2021 की बात अभी सरकार कोनी में नहीं अपनी लेकिन 60 दिन कलेक्ट्री के आगे बैठे रहने से कुछ नीतिगत मसला के ऊपर अपनी बड़ी जीत हुई है। देखा नहीं सावनी 2022 में रबी 2022-23 में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गलत होगी सागी खसरा में कोनी हुई जाड़ा पाड़ लिया घेगरी छूट ली दाना तोलना टाइम खिंडा दिया मासा के बदतमीजी करी है व्यवहार करो जितनी भी आपत्तियां लगा दे और सैटेलाइट की जिकी मांग करी आपने 60 दिन बैठे रहो वे सारी आपत्ति स्वाहा सारी आपने सैटेलाइट लगाओ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज करो सैटेलाइट को प्रस्ताव बम खारिज हो गयो अपनी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मान्य होगी 26 तारीख। सावनी 2022 की आपत्तियां हटगी अब की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मान्य होगी थारो जी को मूंगो बिम्मो है वो क्रॉप कटिंग मिलनो तय हो गयो और चीणांगो सरसुंगो जितो बनेडो है पूर्णाराम जी थाने बता देगा बीतो आपनो तय हो गयो। अब खाता में तो देखो आजकल एक सिस्टम कर दियो भारत सरकार एक डिजी पोर्टल बना दियो बैंक आपनो प्रीमियम काट के भी पोर्टल पर अपलोड होवे और पोर्टल के माध्यम बीमा कंपनी के ने सारा डाटा जाए क्लेम जब जमा हुए जब पहली बीमा कंपनी भी पोर्टल पर अपलोड होगी और पोर्टल के माध्यम से बैंक में थारे खाता में आसी जो देश का कृषि मंत्री है नरेंद्र जी तोमर बे बटन दबावे आजकल अखबार में खबर बनाने खातर कई को लिखे है कि मोदी जी भी मोदी रहा थारे का मैं कहे भी कोई कई कह के अशोक गहलोत दे बिमो तो अशोक गहलोत जी आप जठो चुनाव लड़की आवे बैठे की नहीं पूछो मैं नंबर क्यों 2-4 सुनागा जोधपुर में सरदार पर जीत की आवे बड़े पूछियो थारी कोई बीमो हो मो आवे अशोक गहलोत दे तो मोदी जी जे दे तो वाराणसी है यूपी में बठू चुनाव जीते हुए बांगो बैजे दे तो के मोदी दे नहीं बुआ बह रखे थे बिल्लू में बुआ बेटा भाई अनुमान तो दो के और तो टाणो जा बिमो आवे किसान सभा के संगठनो बिमो निर्मल भी कौन दी रहे जिन्नाराम जी बताओ बहुत नेहरा का दिया अरे जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ सहनाम पहली बिल्लू गांव जुड़ियो किसान सभा के इन संगठनो आज सरदार सर तहसील में एक नंबर पर हो थे था न ध्यान है कि नहीं ध्यान मन ध्यान को नहीं लेकिन मेलकन जी को आंकड़ो है दी मैं पूरी तहसील में सरदार सर में बिल्लू पटवार हल्का एक नंबर पे ये वास्ते है कि टेम सिर जुड़ गया लेट जुड़िया पे अभी गैलां साले जुड़िया रहेगा तो बराबर लिया होगा गैलां की नहीं छोड़ने की मंशा है को नहीं आपने राजस्थान की विधानसभा में 2 दिन पहले एक बहस चल रही बीजेपी रबेली कह के राहुल गांधी रोटी खा गयो रोटी ने रोटी कहां पा फिर कांग्रेस आ पड़ा ताचक के बोले मोदी खा गयो रोटी मेरे को पूछो अरे के बात को झगड़ो बोले कर्जा माफी को कहो कर्जो माफ करांगा करी को नहीं मैं कहा यार फिर लड़ लड़ भिड़ के मर लाग रहे हो मैं कर्जो माफ करा दियो 3 बार
वो तीन बार किया करा लियो, बोले रबी 2017 शू ले गए और सावनी 2022 तक तारानगर तहसील में 30,000 रुपया है डिगे को बीमो आगे जाओ। मतलब क्या हो के सी सी तीन बार तिरिया मीरिया होगी अपने बिल्लू गांव में 22-23,000 रुपया बीघे को बीमो आ गया। तो मतलब क्या हो के सी सी दो बार तिरिया मीरिया होगी अपने इमित कहता होगा चर्चा माफी। वजू राहुल गांधी के मोदी जी के मुंह का नहीं देखे, हम उन लोगों में से नहीं है क्या? आपकी सरकार ने यह नहीं किया इसलिए हमें वोट दे दो, उनकी सरकार ने यह नहीं किया इसलिए हमें वोट दे दो। ये किसान सभा करके दिखाती है, वोट तो थारे गोरखा ही कराऊंगा जे जीवा जे तो दे दही हो, लेकिन करके दिखाए है। बिजली के मुद्दे के ऊपर ट्यूबवेल बेल्ट में वसुंधरा जी की सरकार को बिजली की रेट बढ़ावा, आज 20 साल होने जा रही है 20 साल बिंगाबाद में वसुंध गहलोत साहब आ गया, फिर वसुंधरा जी आ गई, फिर गहलोत साहब और आज कर लाग रहे हैं बिजली ट्यूबवेल बेल्ट आरानी बढ़ाने की हिम्मत बन पड़े। घरेलू बिजली के दे रगड़ का कटरी ले गया इन वास्ते कौन पड़े कि बनगेरो को लाल झंडो है जी को है नी वो कदे भी मैं फर्क आन कौन दे राज का मोटो मोटो दल लियो। सैटेलाइट का प्रस्ताव अधिसूचना में शामिल कर रहे थे, 70% सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड को हम लागू करेंगे, 30% क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मानेंगे। अधिसूचना पड़ी है मेरी गाड़ी में, टांग ऊपर रखी है, बोले चित्त हो गया अटकी है टांग, देखो हमारी ऊंची है, गेहूं में 30% सैटेलाइट लगाई है, गेहूं का अपने फर्क नहीं कौन पड़े जिले में, लेकिन फर्क पड़े बीमे की किताब में सैटेलाइट जियाल को शब्द रेड कौन दिया पूरा हटावांगा वो बड़े फर्क। आज गेहूं में लगाए तड़के भी जड़ चाल गए चीड़ा में जागी चीड़ा फिर मूंग मोट गुआर बाजरी में जागी ए सैटेलाइट ने रेड कौन दिया घनकरो मोटा मोटी काम कर दियो रेड जी को करता रहा। अपनी मांग ही चूरू जिले में क्रॉप कटिंग के नाम पर जिकी किसाना में सागर बदमाशी हो रही है, बा बदमाशी बंद होनी चाहिए। बदमाशी क्या हो रही है काल जमाने को नियम है बिरन्नी को, आपने बीच बीच में ट्यूबवेल जच गया थोड़ो नहर को पानी जच गयो 20% कम एरियो आपनो सिंचित है 80% ज्यादा बिरन्नी है। क्रॉप कटिंग में 4 खसरा लौट हो है 3 खसरा ही क्रॉप कटिंग बिरन्नी में हो जा 1 नहरी में या ट्यूबवेल आराम हो जा बीमो आ जाएगी वो तीनिया की रिपोर्ट में खा जाए। अंपा मांग करी कि नहरी की क्रॉप कटिंग न्यारी करो और बिरानी की न्यारी करो, जो कह यहां तो कह बिल्लू में 5 फसल बीमित है मूंग मोट गुआर बाजरी मूंगफली अब नरमो शामिल हो गयो 6 पहली 5 ही बोला 5 का तो फिर 4 एक का हो जाए 40-20 हो गया क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखो के सिंचित की न्यारी करो जो 40 हो गया 40 करण खातर इतना मार्गन पटवारी कृषि पर्यवेक्षक बनी वो और दंड भी किसाना नहीं है गे ये पटवारियां की भर्ती थे कौन ली कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती थे कौन ली है दंड भुगते किसान। अब ई अधिसूचना के मां चूरू जिले ने बिरानी जिले के रूप में फसल बीमा में शामिल करे हुए आगे अपनी समझदारी होनी चाहिए जब क्रॉप कटिंग हो वो पानी ना गेड़े खसरे में अगर चले जा तो आप ना कहनी है कि भैया वो नियम हासिल रागले मसाल जी के बिरानी है जब जागे संसद जी का है तो खत्म हो से अपनी मांगी तारानगर में मूंगफली सरदार सर में नरमे की बड़े लेवल पर बुआई शुरू होगी हमने ट्यूबवेल और नहरी क्षेत्र में मैंने बीमित फसल के रूप में शामिल करो था तो थारे तो कपास ने नरमे ने शामिल कर लियो और तारानगर में मूंगफली ने शामिल कर ली। अगर आप पड़ाव दे के नहीं बैठा रहता तो आप बात सिरे चढ़ती को नहीं मांग तो आप 4 साल करण लाग रहे ए नीतिगत मुद्दा के ऊपर अपनी जीत हुई है। गैरेड़ा दिना जयपुर में मीटिंग हुई है अपनी राजस्थान सरकार के सैनाम बड़े खेती बाड़ी के अफसर के सागे आज को सैटेलाइट को फैसलो करो भी फैसले के ऊपर जब चर्चा हुई मैं एक बात पूछी वो साहब इतना बड़ा अफसर होते हैं मानिया बताओ मूंगफली के गोटो
जाड़े के ऊपर लागे है कि जड़ में लागे है, एकदम किरड़ा त्रिया रंग बदल गए, तड़पंट हो गया अफसर साहब। बोले माने की जिम्मा ही बावड़ा समझ लिया। मना साहब सियाणा करके पूछे वे तो आप ध्यान समझो कि मैं थाने बावड़ा समझ लिया। बावड़ा तो फिर माने समझ लिया जी को सैटेलाइट को फैसलो कर रहे हो। बोले मूंगफली को गोटो जड़ में लागे वो तो थे, फिर आ बताओ कि जड़ में लागे जमीन में लागे था सैटेलाइट में वो कह मेरे पड़े हो तो मूंगफली को गोटो पकेड़ो है काचो है भी मतलब है गोटो है वो कनिको के हो गयो भी गोटे के सागे वो सैटेलाइट उठिया मेरे पड़े दिन बाद में तो तीन लड़ाई बाकी रही है अपनी। सावनी 2021 को बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने खातर मान्य कराशा 72,000 लोग बैंकों की लापरवाही प्रीमियम नहीं काटने की बदौलत पोर्टल पर अपलोड नहीं करने की बदौलत पटवार हल्का बदल देने के कारण जिका किसान वंचित रह गया फसल बीमा क्लेम। जिला कलेक्टर 72,000 लोगों की बैंक वाइज लिस्ट बना के राजस्थान सरकार ने भेज दी। राजस्थान सरकार अंतिम फैसला वास्ते भारत सरकार ने भेज दी, वो फैसलो भी करवाऊंगा, दंड भी नहीं मिलेगा जी क्या गलती करी है। गलती करे दूसरा लोग दंड भुगता किसान आज तानी चल गई होगी आगे कौन चल ले। बहुत सारा किसान जिका ई मित्रों आपकी बीमा कराई जिका गैर ऋणी है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लोन को नहीं बैंका में लोन को नहीं जिका बैंका का डिफॉल्टर है कहीं कोई कारण हो आपको लेन देन नहीं कर पाया बैंक में वो बीमो बंद करे भाई मित्रों सीएचसी सेंटर बीमा कराए कंपनी ने बेरो पड़ गयो के हमारी पॉलिसी स्वीकार करता है तो 4 गुना देना पड़ेगा पाछा। बाकी पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी 12,000 लोग ऐसा बाकी पॉलिसियां स्वीकार कराओ। बाकी बिजली पानी का जितना भी अपना मुद्दा है ट्यूबवेल का जीएसएस का पूरी बिजली का और तमाम मुद्दा पर अपन 9 तारीख ने निर्णायक लड़ाई को आह्वान करे मोकड़े लोगों की जरूरत है लड़ाई जीत के आवांगा। 9 तारीख ने भी राज नहीं मानेगो संघर्ष जारी रहेगो लेकिन संघर्ष को रूप दूसरो उसी वो 9 तारीख ने बता दिया। दिल्ली गांव की हर संघर्ष में हर आंदोलन में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही है ये वास्ते मैंने ज्यादा कहने की जरूरत को नहीं ये तो गांव में घर वाइज कैसी सी वाइज एक एक आदमी ने बतला लियो और 9 तारीख ने चूरू कलेक्ट्री पर पहुंच जाइयो। अपना राष्ट्रीय नेतृत्व हिंदुस्तान का किसानों का सबसे बड़ा लीडर किसान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक डवले किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी टिकेत किसान सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरा राम जी अपने बीच में पहुंचेगा बलवान भादरा विधायक भी आपने बीच में आसी अगर विधानसभा नहीं चालसी तो विधानसभा दे चालसी तो हम पा लठगड़ा गड़ा खरा खंगार बे बैठे विधानसभा में राज नौ तारीख ने 68 दिन हो जाएगा अपन बैठे ने और जिका राज के खातर ए विज्ञापन पोस्टर लगा रखे संवेदनशील सरकार अशोक गहलोत साहब की सरकार के आगे 68 दिन हो जाएगा। वार्ता के नाम पर एक वार्ता हुई है 22 जून ने जिके दिन भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ कह के लहरो छुटा लियो कि मैं तो नया आया हूं मैंने 10 दिन को टेम दो। अब जो वार्ता नहीं होगी तो 9 तारीख ना आप ही पूछांगा कि भाई जी थारा 10 दिन कह दिना में हुआ है मार तो 10 दिन में हो जाए हरला 10 दिन कितना दिना में हुआ कई कई गिरे भाई जी 5 मिनट में आयो मैं मान पूछू मोते 5 मिनट कई मिनट के बता तो देखे भाई कोई आदमी कह दे मैं सरान चले और बस 5 मिनट आयो तो अपन बेरो 5 मिनट में तो कोनी आई जा टेम तो बिन लाग सी जे कितनी सजोरी गाड़ी हो गई जब बिन आप पूछे भाई जी 5 मिनट कई मिनट की था कि और आज आरा ना भी पूछांगा 9 तारीख ने मोकली संख्या में सगड़ा लोग पहुंचियो। ऐ निवेदन के सागे सगड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।